का सूत्र हमारा ये है, 2 वर्ष का ए होल स्क्वायर 2 है, यानी 2 बार हम ए ए करते हैं, उसके बाद जो है बटा में 1 लिख देते हैं। हमारा सूत्र यही लागू होगा। जैसे ये माना है, ये कोई शब्द कोई अंक नहीं है, ये माना है हमारा सूत्र। जैसे माना ये हुआ 5% बटा हमारा 100 बराबर 1 1 और बटा 20। 1/20 कैसे हुआ, जैसे 20 पंचे 100 हुआ, तो 5 से हुआ ना, 20 पंचे 100, यानी जो है फ्रेंड्स यहाँ 1 और 100 ये बराबर ए आ जाएगा हमारा। ए बराबर में ए जो हमारा है वो हो जाएगा। उसके बाद 2 वर्ष का होगा फ्रेंड्स, ये 3 वर्ष का सूत्र है। 3 वर्ष के सूत्र में क्या है फ्रेंड्स, देखिए सेम वही, इसमें क्या है 3 वर्ष का, जैसे ए ए का होल स्क्वायर 3, ठीक, जैसे ए ए होल स्क्वायर 2, ए होल स्क्वायर 2, फिर उसके बाद बटे में हम डबल ए कर देते हैं ये वाला सूत्र को। और सिम इसी के आधार पे दोस्तों ये सूत्र का स्क्रीन शॉट ले लें, और इसी के आधार पे मैं एक सवाल लगा के आपको फ्रेंड्स देता हूँ, आप समझिएगा जो है। देखिए हमारा सवाल क्या है फ्रेंड, हमारा सवाल जैसे कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज दर से 4 वर्षों में 3 गुना हो जाता है, ठीक, उसी दर से वह 27 गुना कब हो जाएगा। उसी दर दर हमारा कितना है, 4 वर्ष का दर है, उसी दर से 3 गुना अगर हो जा रहा है, तो इसका मतलब जो है हमें अगर 27 गुना बनाना है तो कितना वर्ष लगेगा हमें, ठीक है, कितना गुना हमारा बनेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम उसी पे एक सवाल से आपको दे रहे हैं, जैसे फ्रेंड्स ये हमारा हो गया 4, ठीक है, 4 से हमें 3 गुना बन रहा है, ठीक है फ्रेंड्स, 3 गुना हमारा बन रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे मान लिए मान ले, जैसे 3 गुना 3 × 3 × 3, ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा ये कितना हो जाएगा, 27, ठीक है फ्रेंड्स, 27 हो जाएगा, ठीक है, यानी ये 27 गुना, ठीक है, 27 गुना बन गया, ठीक है। अगर सीधा सीधा देखा जाए तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, 3 का होल स्क्वायर आप बता सकते हैं बराबर कितना होगा, सॉरी सॉरी सॉरी, 3 का होल स्क्वायर 3 रहेगा, तब इस तरह से आपका 27 बन जा रहा है। तब भी इस तरह से अगर आप गुणा कर लेंगे तब भी आपका 27 ही बन रहा है। और देखिए इसमें क्या है, 3 गुना पूछा है, 3 गुना, तो हमने 3 बार गुणा कर दिया, 3 से 3 त्रिक 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27 हमारा हो गया, ठीक है। या तो सीधा सीधा 3 का होल स्क्वायर 3 है, तो आप सीधा सीधा 27 लिख सकते हैं अगर आपको ये याद है, ठीक है फ्रेंड्स। तो 3 गुणे अगर हम 4 कर देंगे फ्रेंड्स, तो हमारा आ जाएगा 12, ठीक, यानी 27 गुना और 12, कहने मतलब यहाँ 12 12 जो होगा, 3 × 4 यहीं से भी हम अगर कर सकते हैं, 3 × 4 12 आ जाएगा आपको, यहीं से कुछ नहीं, सवाल आपका यहीं सॉल्व हो जा रहा है फ्रेंड्स। 4 और 3 यहाँ 3 है, 3 गुना में अगर 4 वर्षों में 3 गुना हो रहा है, तो आप सीधा सीधा क्या करना है आपको, 3 × 4 कर लीजिए बस, 3 चौके 12 फ्रेंड्स, ये आपका आंसर आ गया, कुछ नहीं करना है। तो आपको हमने समझाने के लिए ये विधि हमने बताई है, नहीं तो इस तरह से अगर सवाल आपको आते हैं कि अगर देखिए कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज दर से, चक्रवृद्धि इसको इम्पोर्टेंट इसे है, चक्रवृद्धि ब्याज दर से 4 वर्षों में 3 गुना हो जाता है, 4 वर्षों में 3 गुना, उसी दर दर हमारा क्या लग रहा है, वही दर लग रहा है, वही वही चक्रवृद्धि ब्याज दर हमारा लग रहा है, उसी दर से वह 27 गुना कब हो जाएगा। तो सीधा सीधा आप 3 × 7 मार दे, 3 3 गुना से और 4 से जो हमारा 4 वर्ष जो है हम गुणा कर देंगे, तो 3 चौके 12 हमारा दोस्त आ जाएगा, ठीक है। एक सवाल मैं लेके इस सूत्र के साथ में आया हूँ इस टॉपिक में, अगले नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी आधार पे चक्रवृद्धि ब्याज दर और साधारण ब्याज दर के विषय में मैं आपसे फ्रेंड्स बात करूँगा, और इसके विषय में और भी सवाल लेके आएंगे।